नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन इन टर्मिनल एल्काइन. इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन इन टर्मिनल एल्काइन. ध्यान से देखो, हमारे पास एक टर्मिनल एल्काइन है, मतलब एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, इज अ कंप्लीट कार्बन चेन और लास्ट के दो कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है. वी नो दैट टर्मिनल एल्काइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो कार्बन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है, नाउ वी रिएक्टेड विद द सोडियम मेटल, राइट. जब सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, राइट. एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम एल्काइनाइड. प्रोडक्ट बन गया सोडियम एल्काइनाइड. अब सोडियम एल्काइनाइड जो प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम रिएक्ट करते हैं, लेट्स से दिस कार्बन ग्रुप इज R1, हम इसको रिएक्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड से R2X, राइट. R2, डोंट गेट कंफ्यूज, 2 इज नॉट द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप. बेसिकली वी आर सेइंग लेट्स से R-X, ठीक है. तो यहां पे होगा पार्शियल पॉजिटिव और यहां पे होगा पार्शियल नेगेटिव. दिस नेगेटिव कार्बन विल अटैक हियर, नेगेटिव कार्बन विल अटैक हियर, सो विल गेट R, एल्काइल ग्रुप में से आ जाएगा R, C ट्रिपल बॉन्ड माइनस, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन चेन, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन चेन एल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगी R. देखो, इस ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन चेन का जब आपने सॉल्ट बनाया सोडियम एल्काइनाइड, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज है? माइनस. माइनस का मतलब दिस पार्ट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल. एक्स माइनस विल गो आउट और एक्स माइनस की जगह ये ग्रुप अटैच हो जाएगा NaX. अर्लियर यू हैड लेस कार्बन इन द एल्काइन एंड नाउ यू हैव मोर कार्बन इन द एल्काइन. चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं. हाउ वुड यू कन्वर्ट इथाइन इंटू प्रोपाइन? And in this case, हमारे पास है इथाइन RCH ट्रिपल बॉन्ड CH. ये इथाइन हमारे पास है और हमें इसको कन्वर्ट करना है इंटू प्रोपाइन CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH. तो यहां पे हमें हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक नया एल्काइल ग्रुप अटैच करना है. हाइड्रोजन रिप्लेस करके नया एल्काइल ग्रुप अटैच करना है, तो वॉट विल डू इज हम इसको पहले एल्काइनाइड में कन्वर्ट करेंगे बाय रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल. टर्मिनल एल्काइन है और मैंने सिर्फ 1 मोल सोडियम लिया है, तो वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा. हमें मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, बन गया सोडियम इथाइनाइड. अब हाइड्रोजन हटा के सोडियम आ गया, अब हमें यहां पे अटैच करना है मिथाइल ग्रुप.
तो मिथाइल ग्रुप अटैच करने के लिए हम यूज करेंगे मिथाइल हैलाइड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिव आके यहां पे अटैक करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, मतलब प्रोडक्ट बन गया प्रोपाइन, और यहां से NaCl बाय प्रोडक्ट में रिमूव, NaCl। अंडरस्टूड?